खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले कि मैं कोई वक्तव्य दूं, मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, हमारे पुलवामा में हुए शहीद जवानों को अपनी ओर से श्रद्धांजलि देता हूं, उनके जज्बे को सलाम करता हूं। इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके शोक से भरे परिवार के साथ खड़ा है। मैं तो केवल प्रधानमंत्री जी को एक उनका वक्तव्य याद दिलाना चाहता हूं, मैं सम्मान करता हूं उनका। उन्होंने कहा था, एक सर के बदले 10 सर लेकर आऊंगा। मैं देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए क्रिकेट खेला, मेरे लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं केवल उनको यह याद दिलाना चाहता हूं कि वह एक के बदले एक भी सर अगर ले आए हो तो कृपया जरूर बताएं। आज भी दुर्घटना, आज भी घटना हुई है जिसमें हमारे 4 लोग मारे गए, उसमें एक मेजर का भी शहादत हुई है। उस विषय पर आदरणीय शक्ति सिंह जी कह चुके हैं, मैं आज अपनी ज्वाइनिंग पर बात रखना चाहता हूं। मैं 26 साल से मैंने निस्वार्थ सेवा की भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, जब से सरकार बनी है, तब से मुखौटे के पीछे असली चेहरा सामने नजर आना शुरू हो गया। और उस समय मुझे अफसोस हुआ जब मैंने जुमले सुने, मैंने भ्रष्टाचार देखा, तब मेरे दिल में आए कि मेरे पिताजी जो इस 24 अकबर रोड से जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन शुरू की थी, जिनको कि जवाहरलाल नेहरू जी ने व्यक्तिगत रूप से पहली बार 1952 में संसद बनाया था जब वो केवल 26 साल के थे, मेरे दिल में ये बात आई कि मैं भी जाकर वहां सेवा करूं और घर वापसी करूं। और हमने घर वापसी की है। कांग्रेस ने सबसे पुरानी पार्टी है, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, देश की एकता और अखंडता के लिए आगे बढ़ते रहे, जिसने जातिवाद में विश्वास नहीं किया, जिसने देश को तोड़ने में विश्वास नहीं किया। वही जब जिस समय हम क्रिकेट खेलते हैं या किसी मैदान में रहते हैं, कोई भी खिलाड़ी हो, वो अपने देश के लिए खेलता है, देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेलता है, उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए काम किया। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे नौजवान, कर्मठ, ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने मुझे यह फटका दिया, अपने हाथों से पहनाया। और मैं धन्यवाद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्यार से लिया है और कहा है कि आपको कोई भी तकलीफ यहां पर नहीं होगी। मैंने पिछले 5 सालों में केवल जुमले सुने, मेरे पास सरकारी दस्तावेज 400 कागज थे और सरकारी कागज थे। एक निजी संस्था थी, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, जिसके अध्यक्ष अभी के वर्तमान में वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी थे, जिसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, जिसका सरकार से कोई लेना देना नहीं था, जिसके बारे में मैं पिछले 15 से 20 सालों से उसके भ्रष्टाचार, 400 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहा था। मुझे दुख हुआ कि पार्टी में मेरी बात नहीं सुनी गई। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, बड़ी प्रसन्नता हुई थी मुझे जब उन्होंने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने की बातें करती थी, उसके सामने जब सरकारी दस्तावेज मैंने पेश किए तो मेरे पीठ में छुरा भोंका गया। कैसा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। और मैं तभी उस वक्त समझ गया कि और जुमलों की तरह है, न खाऊंगा न खाने दूंगा भी एक जुमला है। जिस प्रकार का व्यवहार मुझ पर किया गया, मैं गांव देहात जाता हूं तो लोग पूछते हैं कि काला धन कहां गया, 15-15 लाख जो हमारे अकाउंट में आने थे वो कहां गए,
क्या जवाब दूं? जब पढ़े लिखे मुझसे पूछते हैं कि 2 करोड़ नौकरियां कहां गई जो साल में मिलनी थी, तो उनको मैं क्या जवाब दूं? मिथिलांचल उत्तर बिहार की जो उपेक्षा की गई, स्मार्ट सिटी में एक भी सिटी नहीं लिया गया, जो गंगा स्वच्छ हो जाएगी, ना मैं आया हूं ना गया हूं, मुझे गंगा मैया ने बुलाया है, आज उसका क्या हुआ? स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, नाम सुने हमने लेकिन केवल घपले हुए। मुझे आज भी याद है जिस समय उन्होंने कहा था, मैं अगर 100 दिन में सरकार बनने के बाद काला धन नहीं लेकर के आया तो 100 दिन में आप मुझे चौक पर खड़ा करके कुछ भी करना। आज 5 साल पूरे हो चुके हैं। आंतरिक लोकतंत्र, इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी में खत्म हो चुकी है, कोई आवाज सुनने को तैयार नहीं। सोशल मीडिया पर बैठकर मेंबर बना लेने से कोई सबसे एक नंबर का पार्टी नहीं बन जाता है। और ये सारी चीजें मुझे खचोटती हैं। मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं, जब लोग मुझसे पूछते हैं तो यह चीज मुझे खचोटती है, मेरे दिल पे चोट लगती है। और इन सभी चीजों को देखकर जब मैंने देखा कि यह केवल जुमले चल रहे हैं, जुमलों के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर मैंने अपने पिता के घर में वापस आने का, जो अनाथ हो गया था राजनीतिक रूप से, मुझे राजनीतिक परिवार मिला। यह राजनीतिक परिवार ही नहीं, एक अपना परिवार सा है, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि वापस मैं कांग्रेस में आया हूं। मैं और अधिक इसके तो नहीं कहूंगा, लेकिन रफाल एक मुद्दा है जिसके बारे में अनेकों बार, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी इस पर शंका करते हैं कि रफाल के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। वह सरकार जनता को क्या सच बोलेगी जो सरकार सुप्रीम कोर्ट में झूठे एफिडेविट देती हो? आप लोगों ने ये देखा कि अभी इन्होंने सीएजी का रिपोर्ट दिया है, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि सीएजी रिपोर्ट दे दी गई और पीएससी ने देख लिया है। जो उच्चतम न्यायालय को झूठ बोले वो तो आम जनता को बेवकूफ बनाने में माहिर है। मैं तो सिर्फ प्रधानमंत्री जी को उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आपने जितने जुमले दिए थे, कम से कम उसके बारे में जो आप इतने भाषण कर रहे हैं जवानों की शहादत के बाद, जगह जगह आप शिलान्यास कर रहे हैं, कम से कम यह जुमले उनके बारे में भी कुछ वक्तव्य अवश्य दें, जिससे कम से कम नौकरियों के बारे में पता लग सके, काला धन के बारे में पता लग सके, गंगा साफ हुई कि नहीं हुई उसके बारे में पता लग सके, स्मार्ट सिटीज का क्या हुआ उसके बारे में पता लग सके। मैं एक बार पुनः पूरे कांग्रेस परिवार का, विशेषकर अध्यक्ष जी का, श्री राहुल गांधी जी का, शक्ति सिंह जी का, आदरणीय मदन मोहन झा जी का, आदरणीय सदानंद सिंह जी का, आदरणीय अखिलेश सिंह जी का, आदरणीय राठौर जी का, प्रियंका जी का, सबका, प्रणव जी का, सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे परिवार में वापस सम्मिलित किया है। मैं अपनी ओर से एक कार्यकर्ता के रूप में जो भी मुझसे कार्य आप देंगे मैं करूंगा, और जिस राह पर जैसे कहेंगे वैसे चलूंगा। इस समय बिहार में अगर कोई सबसे कम उम्र वाला ऊर्जावान कोई नेता सामने दिखता है तो वह तेजस्वी यादव दिखता है। उसने ऐसे ऐसे ज्वलंत प्रश्न नीतीश कुमार जी से पूछे हैं जिसका जवाब नीतीश जी के पास नहीं है। उसका आगे भविष्य है, और भविष्य में कामना करता हूं कि वह आगे बढ़े, दिन दुगनी रात चौगनी फले फूले। आप एक चीज ये देखेंगे कि मैं पिछले 20 सालों से सांसद रहा हूं, और उससे पहले 1993 से मैं विधायक रहा। आपने कहीं भी मेरे जबान से यह ना सुना होगा जो मैं देश को तोड़ने की बात करता हूं। मेरे पिताजी से जो मैंने बातें सीखी थी, मैंने कभी धर्म में, जाति में, किसी में अलग नहीं समझा। विचारधारा तो मेरी देश को लेकर जो आगे बढ़ाने वाली मेरे पिताजी की थी, वही मेरे अंदर भरी हुई थी। मेरे क्षेत्र में एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ, कोई जातीय उन्माद मेरे रहते हुए नहीं हुआ, जबकि मेरे आसपास के सभी जिलों और संसदीय क्षेत्रों में हुआ।
लेकिन इतना पूरे सम्मान के साथ मैं कह सकता हूं कि मैंने वो सब कुछ नहीं होने दिया। इसलिए यह विचारधारा मेरी जो थी वह थी देश के लिए, और देश के लिए विचारधारा अगर किसी की है तो वो है कांग्रेस की। अगर देश को तोड़ने में न लगी रहती तो क्या देश में आग लगता जिस प्रकार से देश में आग लगा हुआ है? कभी गौ हत्या के नाम पर देश में उन्माद होता है, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर होता है, कभी कहा जाता है अगर हमारी बात नहीं मानो तो पाकिस्तान चले जाओ। अरे क्या हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान हिंदुस्तानी हैं? आपको सबको एक साथ लेकर के चलना होगा, और आरएसएस जिस प्रकार की विचारधारा को आगे बढ़ावा देती है वह देश के लिए बहुत खतरनाक है, और मैं कभी भी आरएसएस की विचारधारा के साथ मेल नहीं खाया। शायद यही कारण है कि मुझे बीजेपी में वह स्थान नहीं मिल सका जो मुझे मिलना चाहिए था, क्योंकि मैं कभी विचारधारा में नहीं था, मैं कभी उनकी शाखाओं में नहीं गया था। समझ गया सर। मुझे एक चीज बताइए, जब मैं राजनीति में जुड़ा ही नहीं था तो फिर पद के लालच मुझे कहां से होता? देखिए कांग्रेस में उस समय श्री राजीव गांधी जी की निर्मम हत्या कर दी गई थी, फिदाइन द्वारा उनको मार दिया गया था। उसके बाद कांग्रेस के अंदर आगे देखने के लिए कुछ नहीं था। तब तक मैं अटल जी और अडवाणी जी आए थे, उनसे मैं प्रभावित हुआ था, जिन्होंने एक देश एक व्यक्ति एक कानून की बात की थी, और हम क्रिकेट खेलते थे तो उसमें किसी प्रकार का कोई ऊंच नीच नहीं होता था, जो परफॉर्मेंस करता था वह आता था, इसलिए मैं उस समय प्रभावित हुआ था। लेकिन उस समय की बीजेपी और आज की बीजेपी में जमीन आसमान का अंतर है, पाताल में चली गई। देखिए समय की बात है, जो आज है, जो वर्तमान में है वो है, जो भूत है वो भूत है। जो वर्तमान में है, वर्तमान को देखते हुए जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की बात की, और भ्रष्टाचार के ऊपर 400 पन्ने का सरकारी दस्तावेज देने के बाद आंतरिक लोकतंत्र ना हो, आपकी आवाज ना सुनी जाए और केवल जुमले हो, तो स्वाभाविक है कि जो एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हो और जिसने देश के लिए क्रिकेट खेला हो, देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेला हो, स्वाभाविक था कि मेरा यहां घुटन हो रहा था और इस घुटन में मैं रह नहीं सकता था। और पिताजी से जो बातें कांग्रेस की सुनी थी और पढ़ी है, स्वाभाविक था कि मेरी घर वापसी होनी थी। आप ये पूछिए ना कि 26 साल पहले ही मैंने बीजेपी क्यों ज्वाइन कर लिया। अब 26 साल बाद में परिवर्तन की बात नहीं है, मैंने कहा एक पुरानी बीजेपी और आज की बीजेपी में बहुत अंतर है। कभी भी आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी को, कभी भी अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्वर्गवासी जितने लोग थे उनके बारे में बात करते हुए नहीं सुना होगा। वाजपेयी जी ने कभी नेहरू जी के बारे में गलत बात नहीं की, उन्होंने उनकी प्रशंसा की, आप उनके पार्लियामेंट का भाषण उठाकर देख लीजिए। उन्होंने इंदिरा जी के लिए की, उन्होंने राजीव जी के लिए उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत खराब थी, उन्होंने विशेष डेलीगेशन का मुझे हेड बना करके भेजा था। लेकिन आज के प्रधानमंत्री क्या करते हैं? यह हमारे सनातन धर्म की परंपरा है कि जो व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया हो, अच्छा हो या बुरा हो, उसके बारे में बुराई नहीं की जाती। अब 90 साल का बुढ़ा भी हमसे पूछता है, बूढ़े हमारे पिता समान होंगे दादा समान होंगे, वो हमसे पूछते हैं कि बउआ कि हम सब मर जाए तो हमरू सबके बारे में एनआई गप करो। मतलब ये मैथिली मैंने बोला, ये जगत जननी जानकी माँ सीता के जन्म स्थान का हूं मैं, आप भी वहीं से हैं। तो वहां बोलते हैं कि बेटा हम भी 90 साल के जब हो जाएंगे तो हमारे बारे में भी ऐसी उल्टा सीधा तुम लोग बोलोगे, जबकि मिथिला एक परंपरा वाली जगह है, मैं वहां का हूं। मैंने ऐसा कोई तय नहीं किया, मेरे 20 साल हो गए मुझे दरभंगा। पहले जब मुझे भारतीय जनता पार्टी भेज रही थी तो मैंने कहा था मैं शहर में रहा हूं, मुझे गांव देहात में नहीं रहा, मुझे भाषा बोलनी नहीं आती, मुझे तीज त्योहार नहीं मालूम, मैं खाना रहन सहन कुछ नहीं जानता। लेकिन आज 20 साल में इतना रहन सहन मेरा बदल गया है कि दिल्ली रहने का दिल नहीं करता, मन रहता है दरभंगा में ही रहूं और मिथिलांचल में लोगों की सेवा करूं। पहली बात तो मुझे अभी तक शत्रुघ्न सिन्हा जी ने अपना स्पोक्स पर्सन नहीं बनाया, इसलिए उस विषय पर तो मैं नहीं कह पाऊंगा। जहां तक लालू जी की बात है, लालू जी ने जो गरीब गुरबों की लड़ाई लड़ी है वह अपने आप में अविस्मरणीय है। जिस प्रकार से जब वह पहली बार आए थे, उन्होंने आगे बढ़कर जो लोग
पिछड़े जातियों के थे या दूसरे थे, वंचित समाज के लोग थे, उन लोगों के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी। आज जो भी कार्रवाई चल रही है वह अदालती कार्रवाई है, और इसमें विशेष रूप से मेरा मानना है, जो मैं पूरे केस को जानता हूं, अलग अलग बांटकर राजनीतिक रूप से लालू प्रसाद यादव जी को प्रताड़ना करने का प्रयास किया जा रहा है।